तो दोस्तों, टीचर्स डे है आज, और सबसे पहले मैं टीचर्स डे विश करना चाहूँगा अपनी मॉम को, जो जिन्होंने मुझको बचपन से सिखाया। मतलब जब मैं छोटा था तो मम्मी मुझको बोलती थी कि कहते हैं अ लिख आ लिख, तो मतलब बहुत मम्मी मैंने बहुत कोशिश करी पढ़ाने को, क्योंकि पापा उस समय आर्मी में जाते थे और मैं वहीं रहता था मम्मी के साथ, और मम्मी और मेरी सिस्टर साथ में रहती थी, और मम्मी ने ही हमको देखा और हमको पढ़ाया। जो भी स्कूल से आता था, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी मम्मी ने बहुत कोशिश करी। तो मैं सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे बोलूँगा आज, और जिन्होंने मुझको पढ़ाया स्कूल से लेके, उस स्कूल के कुछ टीचर्स थे जिनको मैं याद करता हूँ अभी भी, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा कहते हैं गाइड किया, और हमेशा मुझको बोला कि आपको तो उसको आगे बढ़ना है, और आज जिस पोजिशन में मैं हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। और मेरे जो कॉलेज के टीचर्स थे, मेरे जो MBA के टीचर्स थे, सबको हैप्पी टीचर्स डे। और आप लोग अपना ख्याल रखिए इस कोरोना पीरियड पे, आप अपने आप को मजबूत रखिए, और हम मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। तो टीचर्स, माय मम्मी, माय पापा एंड एवरीवन हु टीच मी एनीथिंग, तो सबको थैंक यू दिल से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है क्या, संडे। तो गाइस, आज हैप्पी संडे सबको, और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज तो बहुत रेस्ट वाला डे है, क्योंकि आज मैं बहुत रेस्ट करता हूँ, और देखो भी मुझको देख रही बोली हैं क्या बोल रहे हैं। तो अभी आज नाश्ते में बना है स्पेशल समोसे और उसके साथ चाय। तो आज कब दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ बना हुआ है, देखते हैं। गाइस, ये हैं दिक्कू के समोसे, दिक्कू ने बनाए हैं, और ये दिक्कू की प्लेट, सब हम खाते हैं। तो बहुत दिन से हमने ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि हम गाइज हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देखो पूरा 11 रुपया के लिए 1 रुपए का वक्त बर्बाद हो गया। तो गाइज हम देख रहे हैं कॉमेडी विद कपिल शर्मा, जरा इतना लगा लो इस गाने में, मत करो ना, अभी देख रहे हैं लगाने की क्या जरूरत है। दोस्तों, आज मैंने कर लिया क्लीन शेव, और बहुत दिनों बाद आज लग रहा है बहुत बहुत ही आराम, हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो वज़न था ना 2.5 किलो का दाढ़ियों में, तो उसके उसके वजह से सारा वेट आज लूज़ हो गया मेरा। देखो, हाउ आई एम लुकिंग, बस क्या बस क्या बोलूं, स्पीचलेस। छिला हुआ आलू, यस ओके। और चाय तो तुमने पी ली पूरी, मेरी भी चाय पी ली तुमने, आपकी तो नहीं पी चाय मैंने, चाय में वैसे भी कम पीती हूँ। आज तो सुबह के समोसे तो बहुत मस्त थे, मस्त A1। अगर मुझे 100% मार्क्स देने पड़े ना, तो मैं तुम्हें दूंगा 99.5। 0.5 क्यों काट दियो, 0.5 क्यों काट दियो, पूरी नहीं देनी चाहिए ना, क्यों स्टूडेंट भी ज़्यादा खुश हो जाता है। दोस्तों, तो मैं दिखाता हूँ बाहर का व्यू, बहुत दिनों बाद बाहर का व्यू देख रहे हैं आज, मैं भी बहुत दिनों बाद बाहर आ रहा हूँ। बाहर का व्यू ऐसा है, ये पूरा आसमान, आसमान आज बहुत नीला है, नीला कलर, नीला कलर बेस्ट रहता है और लगता भी अच्छा है, एकदम साफ सुथरा। ओ हमारा पिंजड़ा, हमारे तोते तो भाग गए, आज़ाद हो गए वो तो। कभी कभी तोतों की आवाज़ आती है, हम सोचते हैं कहीं वापस तो नहीं आ गए, होप सो। वो वापस इसको ऑन कर देते हैं यार, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। कल तो बहुत ही भूत बना दिया मच्छर, कल रात को मच्छरों ने इतना काटा हमारी रिफ़िल ख़त्म हो गई थी, और फिर हमने रिफ़िल को अभी अभी लेके आया, देखो 70 रुपये की रिफ़िल पड़ी है, सारे मच्छर बाहर निकलने चाहिए, ठीक है, सारे मच्छर बाहर निकलने चाहिए, नहीं तो 70 रुपये गए। ऑल आउट लाए तो ऑल आउट। दोस्तों, अभी मनी हाइस्ट हमने पूरा देख लिया है, और बहुत ही मस्त था, मजा आ गया इस बार का, बट जो लास्ट में जब टोक्यो की डेथ हुई ना, बहुत बुरा लगा। आपको पहले क्यों बता दे रहे हो लोगों को? दीक्षा कितना बुरा लगा तुम्हें? दीक्षा तो रोने भी लग गई थी, रोई भी थी दीक्षा, रोने लग गई थी, क्योंकि टोक्यो की डेथ हो गई है। मुझे टोक्यो बहुत पसंद है, और बहुत बुरा लगा दिल से, टोक्यो सबकी फेवरेट थी, वो इतनी मतलब बोल्ड थी वो, और स्ट्रांग थी, और सबकी हेल्प करी उसने, नहीं थी।
और उसने लास्ट में प्रोफेसर को भी बोला, यू आर माई गार्जियन एंजल, बट इस टाइम इस समय मैं आपकी गार्जियन एंजल बनती हूँ ना, देखो राइट राइट यस। अब वेट करते हैं 3rd of December जब आएगा मनी हाइस्ट का लास्ट, कैसे वो एग्जिट करेंगे। और तो दोस्तों आप बताना, आपने मनी हाइस्ट देखा नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो देखो जरूर, क्योंकि बहुत मजा आएगा आपको देखने में। सीजन वन से देखना स्टार्टिंग से, और जैसे भी लगता है आपको नेटफ्लिक्स में है, हिंदी इंग्लिश जो भी चीज़ है आपको देखना है, आप तेलुगु में भी देखना चाहते हो तेलुगु में भी, सारी चीज़ में है, और देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा और दिल में बहुत सुकून मिलेगा। मन करेगा कि सीजन 1 सीजन 2 के बाद लगातार आते जाएं ना। देखो दिक्कू क्या ढूंढ रहा हूँ, छिपकली घर में आ गई, छिपकली हमारे दिक्कू, तुम्हें छिपकली से डर लगता है क्या है? इसमें थोड़ा गई, गई वहां पे, वो अंदर चलेगी, उसमें बाहर चलेगी। देखो बाहर तो लगा है ना, पर्दों के बीच में तो नहीं है गाइस? आज का दिन है थर्सडे, देखो थर्सडे है ना, नहीं। कौन सा दिन है? ओके वेडनेसडे। तो गाइस आज का दिन है वेडनेसडे और मैं हो गया हूँ रेडी ऑफिस जाने के लिए, और दीक्षा बना रही खाना, सुबह का नाश्ता। बैंकर की जिंदगी में हमेशा सुबह का नाश्ता ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाश्ता और लंच, क्योंकि वही सुबह हाथ में टिफिन ले जाओ साथ में और वहाँ बनाओ, वहाँ खाओ। दीक्षा बना रही है अभी खाना, दीक्षा ने रोटी वोटी सब बना दी है, रोटी के गोले वोले बना दिए हैं और दाल वाल बना दी है, और फिर मैं टिफिन ले जाऊँगा वहीं खाऊँगा। आज मुझको ज़रा फील्ड विजिट भी करनी है, क्योंकि फील्ड विजिट से थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप फील्ड की जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, और प्लस आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उसका प्री इंस्पेक्शन हो जाता है। तो तब तक के लिए हम बाहर का दृश्य देखते हैं कि क्या आज बाहर का मौसम है। दिक्कू क्या बोल लो, दिक्कू बोल रही है कि कहते हैं एकदम तुम बिग बॉस की भाषा बोलो, तुम बिग बॉस देखोगे तो मैं भी तो साथ साथ में उसका इफेक्ट तो आ ही जाएगा ना मुझ पे। तो गाइज तब तक बाहर का दृश्य देखते हैं क्या सीन है बाहर का। ओके आज बाहर का व्यू ठीक है, बढ़िया है, थोड़ा सा बादल हैं और यहाँ तो हवा चल रही है, और यहाँ हमारा एसी का पानी भर चुका है। ये देखिए मैंने लगाए हैं प्लांट्स। आज मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ कढ़ाई पनीर, देखते हैं कैसे बनती है। बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत तबीयत ख़राब थी, बहुत बुरी हालत हो गई है आज बैंक से आने के बाद, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखो दीक्षा को देखो ज़रा कैसी लगी हुई है काम में, दीक्षा दिन भर काम में लगी रहती है, पोछा ओछा लगाती है, पोछा तो क्या ही लगाएगी, अपने मुंह में पोछा लगाती है मतलब। तो भी आज दीक्षा बना रही है पनीर की सब्जी और रोटी, खाते हैं फिर थोड़ा रेस्ट पर सो जाते हैं। आज बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, आज मैं बहुत लेट में आया, अराउंड 7 बजे के अराउंड में आया बैंक से, और बहुत ज़्यादा काम था आज। कोई नहीं, अगेन रेस्ट करते हैं फिर उसी एनर्जी के साथ फिर अगले दिन वापस बैंक में, तब तक दिखाता हूँ दीक्षा आज कैसे बना रही है, देखते हैं। और दीक्षा यहाँ कुछ बोल भी नहीं रही, देखो ज़रा हम बस हेलो 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 बोलने से कुछ नहीं था। देखो यहाँ पर कुछ और भी बोलो, क्या बोलो, मैं तो ठीक हो चुकी हूँ, आप सबको पता है, तभी तो मैं इतनी एक्टिव लग रही हूँ। आदमी जब बीमार होता है तो उस समय तो मुरझा जाता है, अभी देखो जरा कितना खिलखिला। अब तो मैं ठीक हो गई हूँ ना,
उस दिन अभी मार तो मैं कैसे लग रही थी, बेकार मतलब बेकार तो अभी लगती है। तो गाइस हमारा खाना आ गया है और देखो रेडी हो गई एकदम खाना लेके, खाना खाने के लिए। ये है क्या है देखो, ये पनीर, चिली पनीर दाल उसके साथ, फ्री कॉम्प्लीमेंट्री। तो दोस्तों हम अब खाना खाते हैं और ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखो ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। Yes. तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप हमारा चैनल देखिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।